हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, प्रीवियस वीडियोस में हम पूरा फॉर्मेट बनाना सीख चुके हैं। कैसे हमने फॉर्मेट बनाया था, कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई जो हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी जो वर्किंग नोट बनता है, उसमें हमने 7-8 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है ना। टी एस ग्रेवाल के 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन लिए थे। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 10th, 11th, 12th, तो बेटा वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब हमें यह आता होगा, क्या? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ये ए पार्ट तो हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ये पार्ट सीखना है जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी हमारी, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइजेशन, ये ए टू जेड सारी चीज़ें आएंगी। तो आज मैं इन सारी चीज़ों को आपको बनाना बताऊँगा, क्योंकि ये सबसे टफ पार्ट माना जाता है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यानी कि अगर इसको मैं ऐसा बोलूं कि भाई आज हम सीखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यानी ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आधे अधूरे में और फास्ट फॉरवर्ड करके सीखेंगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी चीज़, हर एक चीज़ की बारीकी आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। हमारा फॉर्मेट है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर डिटेल आता है और यहाँ पर हमारा फाइनल अमाउंट आता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या बनेगा, यस, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर है। तो हमारा ये पहला बन जाएगा और इसमें जो ए है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कौन सा है हमारा ए, चलिए जी बताएं आपको, हमने निकाला था अभी पिछली वीडियोस में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में वर्किंग नोट डाल देंगे हम, क्लियर है सर। ये अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाती है, क्लियर है, क्योंकि ये हमने वर्किंग नोट में बनाया था। अब इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, इसमें लिखेंगे हम क्या, बोलिए, यस, तो इसमें लिखेंगे हम एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, थोड़ा इसको बारीकी से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। अच्छा देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो तभी हो सकता है जब हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट गिवन हो, पर हमें तो जो 12th क्लास में स्टैंडर्ड में हमें तो क्या दी जाएगी, सीदा बैलेंस शीट दी जाएगी। अब बैलेंस शीट की मदद से हमने CFS निकालना है, इसके बाद हमारा बनता है CFS और यहाँ पर ही बनता है इसके बाद CFS। पर जब हमें ये TD और PNL है ही नहीं गिवन, तो हम इसके आंसर निकालेंगे कैसे, तो दैट मीन डायरेक्ट मेथड से तो हमें करना नहीं है और ये वैसे भी क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये हमारे सिलेबस में है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें किससे बनाना है, हमने CFS बैलेंस शीट की मदद से बनाना है, क्लियर है। तो ये बात समझ लीजिए, दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो हमारे सिलेबस में नहीं है और इनडायरेक्ट मेथड की मदद से हम CFS को निकालेंगे। तो हम आपको बता रहे थे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन कैश आइटम जो होंगे बेटा वो हमारे कौन से होते हैं कि जिनमें कैश इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। नॉन कैश यानी कि कैश का लेना देना नहीं होता। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज करिए कि आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये रुपीज़ है 10,000 का, ठीक है, और दो महीने बाद इसको आप सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या ये दो महीने के बाद सेम 10,000 में जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, ये कम से कम 8,000 में या तो 6,000 में जाएगा। तो आपके पास आया तो कैश कितना है, 6,000 या 8,000, पर आया कितना नहीं है, 4,000 और 2,000। तो यानी कैश 10,000 का मोबाइल के बदले आपको 8 मिले तो 2,000 नहीं आए, ये नॉन कैश हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम नॉन कैश एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी कि कैश की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अब जो डैप लगता है तो आपको पता होगा, डैप आप बेटा पी एंड एल अकाउंट में क्या करते हो,
टू टैप करके शो करते हैं, और बैलेंस शीट में थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और बैलेंस शीट में जो आपका एसेट होगा, मोबाइल होगी या लैंड या बिल्डिंग होगी, उससे क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे डैप को। क्लियर है? तो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ हो जाएगी। तो यानी कि डैप ऑलरेडी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रखा है, तो जब इसको हम CFS में शो करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में, तो हम इसको क्या करेंगे। अब देखिए, जो कैश एक्सपेंस होते हैं हमारे, कैश एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा, लेस। और ये क्या है हमारा डैप, ये क्या है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसे क्या करेंगे हम, ऐड CFS में। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करते हैं, और नॉन कैश, क्योंकि ये क्या है डैप, नॉन कैश है, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट में भी आपका सबसे पहले क्या रहा है, डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, नॉन कैश एक्टिविटीज है, नॉन कैश है, ठीक है। तो नॉन कैश को क्या करेंगे हम, लेस या ऐड, बिल्कुल ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ हम अपना लिख देते हैं, नेक्स्ट जरा पेन चेंज कर लें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी। बी क्या बन जाएगा हमारा, ऐड वाले आइटम्स ले लेंगे पहले, फिर लेस वाले ले लेंगे। तो आइटम्स टू बी एडिड, और इसमें हमारा सबसे पहला कौन सा आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है डेप्रिस सीएसएन, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, उसमें क्या आ रहा है, तो अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आएगा सर, गुडविल पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क। अब ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं राइट ऑफ, क्या होते हैं हमारे, राइट ऑफ हो जाते हैं, या इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोल देते हैं, अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड। अच्छा जी, अब देखिए, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन पे जब डैप लगता है, यानी इनकी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। यानी जब भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनकी वैल्यू जब डिक्लाइन होती है, तो बेटा उसे अमोर्टाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम, रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको बिल्कुल खत्म कर दिया, बेच दिया। देखिए, अगर गुडविल बेच देंगे तो बिजनेस तो बंद ही हो गया ना आपका, डिसोल्यूशन थोड़ी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई बैलेंस शीट में गुडविल हमें पहले 100,000 की दे रखी थी, अब उसकी वैल्यू घट के 80,000 रह गई है, यानी कि जो वो 20,000 है वो हमने कहाँ शो करे, उसकी वैल्यू कहाँ अमोटाइज कर दी, P&L में कर दी। अब P&L में, तो दैट मीन वो क्या हमारा, नॉन कैश है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्री, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ। अब सवाल उठता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा हमारे क्या होते हैं, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो शुरुआत में कई खर्चे होते हैं, जैसे हमारे क्या हो जाते हैं सर, लीगल चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, और कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनमें हमारा पैसा क्या होता है, खर्च होता रहता है। तो इन सबको हम किसका हेडिंग देते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और सबसे अच्छी बात, ये वन टाइम खर्चे होते हैं, एक ही बार का खर्चा होता है, तो इसको हम कहाँ शो करते हैं, धीरे धीरे हम P&L अकाउंट में इसको शो करते रहते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे हमारे सर, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है सर हमारा राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होते हैं बेटा, जो हम इशू करते हैं शेयर्स को, डिबेंचर्स को, तो हम जो ब्रोकरेज देते हैं, दलाली देते हैं ना उनको, जो ब्रोकर्स होते हैं, तो उनको जो पैसा दिया जाता है वो होता है अंडरराइटिंग कमीशन। और धीरे धीरे इसको भी हम P&L में शो करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में, जब अंडरराइटिंग कमीशन, मैंने जैसे भी आपको बोला कि ये कब दिए जाते हैं, ब्रोकरेज दी जाती है जब इशू करते हैं शेयर्स को, डिबेंचर को। तो यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इशू करना शेयर और डिबेंचर को, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है, ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो इसकी जो फर्स्ट टाइम आपने जब इशू किया था, तो इसको हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी शो करेंगे और माइनस में शो करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। वही मोबाइल वाला एग्जांपल मैंने बताया। देखिए, जो सपोज करो आपका 2,00,000 का फिक्स एसेट था और आपकी वो 180,000 में गई, तो आया तो आपके पास 180,000 है। जो 180,000 आया है बेटा, वो आप कहाँ शो करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और 20,000 का जो लॉस हुआ है वो तो आपका नहीं आया ना कहीं पर भी, तो उसको कहाँ शो करेंगे हम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को शो कर देंगे हम इसमें, किसमें आपका, ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स में, ठीक है। एक और आता है इसके अंदर आ जाएगा, कौन सा, डिस्काउंट ऑन इशू
ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना। शेयर तो हमारा खत्म हो चुका है ना, इस पर डिस्काउंट तो मिलता नहीं अब, तो अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये तो हमारे सारे थे एड वाले, अब देखते हैं सर हमारा लेस वाला कौन सा बनता है। चलिए तो ये सी पार्ट कर लेंगे हम, और यहाँ लिख देंगे हम लेस और आइटम्स टू बी डिडक्टेड या सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, डिडक्टेड। क्लियर है। चलिए अब यहीं से देखिए, आप देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर लॉस ऑन फिक्स एसेट का आपका ऐड हो रहा है तो क्या होगा आपका गेन, यानी गेन कह लो या प्रॉफिट कह लीजिए, ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बस अब हमारा लास्ट आ गया, जैसे हम मानते हैं इंटरेस्ट हो गया हमारा, रेंट हो गया, डिविडेंट हो गया, ये अगर रिसीव्ड हैं तो ये हमारी क्या होगी भैया, इनकम, तो ये भी लेस हो जाएंगे। अच्छा ऐसे यहाँ पर हमने एक और रह गया था, अगर हमारा यहाँ पर होता इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने पे किया है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक ओके हो चुका होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं अब इसमें हम। तो अब जो बनेगा हमारा वो बनेगा डी पोर्शन, और डी पोर्शन क्या निकलेगा सर हमारा, जो हम निकालना चाह रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आएगा हमारा ये कैसे आएगा बेटा, ए बी सी इन तीनों को प्लस करके आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पर लाइन आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे हमने क्या करना है, इसके आगे हमने लेना बेटा करंट एसेट्स। देखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस थे, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम क्या लेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को लेंगे। तो इसमें हमने बेटा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को लेना है। अब देखिए करंट एसेट या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, ऐसी करंट लाइबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, ठीक है। चले पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ अच्छे से। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, करंट एसेट अगर मेरी डिक्रीज होती है, करंट एसेट मेरी अगर डिक्रीज होती है, तो आप मुझे ये बताएं मेरे पास जो पैसा आएगा या जाएगा। अब सिंपल देखिए, करंट एसेट हमारी कौन कौन सी होती है, करंट एसेट हमारी सपोज करो स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, बीआर होते हैं, ठीक है ना। अगर करंट एसेट मेरी डिक्रीज होगी, डिक्रीज यानी कि मेरी घट रही है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, भाई बिल्कुल सही बात है, स्टॉक को मैंने बेचा तभी तो कम हुआ, तो मेरे पास पैसा आया, तो इसे क्या कर देंगे हम, ऐड। ऐसी करंट एसेट अगर मेरी इंक्रीज होती है, यानी कि मैंने स्टॉक को खरीदा, मैंने मेरे डेटर्स बढ़ गए, मेरे बिल रिसीवेबल्स बढ़ गए, तो यानी कि मेरे पास क्या हुआ, मेरे पे पैसा आया गया, सब मेरे पास से पैसा गया, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसी करंट लाइबिलिटी मेरी अगर इंक्रीज होती है, करंट लाइबिलिटी अगर मेरी इंक्रीज होती है, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, मेरा बिल्स पेबल बढ़ गया, तो ये मेरा प्लस होगा माइनस होगा, सर ऑब्वियसली बात है, या मैंने छोटा मोटा लोन ले लिया तो मेरे पास पैसा आया, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी का घटना, यानी मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी, तो यानी मेरा पैसा चला गया, ठीक है। तो ये हमने इसमें करना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे हेडिंग, मैं लिख देता हूँ एक बार देखिएगा आप, तो ये हो जाएगा मेरा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। क्लियर है। अब यहाँ तक हमारा पूरा ओके हो चुका है। चलिए तो अब मेरा यहाँ पर बन जाएगा एफ, ई के बाद क्या जाएगा एफ, तो एफ क्या बनेगा मेरा, एफ बन जाएगा मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग या ऑपरेशन कह लो, तो ये कैसे आ जाएगा मेरा, डी और ई को प्लस करके, ठीक है ना, डी और ई को प्लस करके, ठीक है, जो मेरा आ जाएगा मैं उसको यहाँ लिख दूंगा। क्लियर है। अब जो यहाँ आ जाएगा मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम इसका, अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डी और ई, चलिए अब आगे क्या बनेगा इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, यस यस यस, हाँ अब सही है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर तक मेरा आ चुका है, अब इसमें हम करेंगे सर लेस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स
पेड, ठीक है जी, इनकम टैक्स पेड कर देंगे इसमें लेस हम, क्लियर है। या इसमें और दूसरा हमारा क्या आ सकता है सर, टैक्स पेड बोल लो उसको, इनकम टैक्स बोल लो, चलिए तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से इसको लेस कर दिया। अब जो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा बेटा, यही हमारा मेन है, तो इसको लिख देंगे हम क्या, यस, नेट कैश, नेट कैश फ्रॉम कह लो या यूज्ड कह लो, फ्रॉम यानी प्लस और यूज्ड यानी माइनस। अगर माइनस में आंसर आता है ये वाला मेरा, अगर माइनस में आंसर आता है तो यूज्ड, और प्लस में आंसर आता है तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम। कहीं कहीं पे इसको जनरेटेड भी बोल देते हैं या प्रोसीड भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है।